तो गाइस आज अपन खेल रहे हैं बीबीएल, बोले तो बिग बैश लीग। तो जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल होता और है। उसी पूरे लीग पर बेस्ड है गेम जो डब्ल्यूसीसी वालों ने बनाया है, मतलब जिनका गेम डब्ल्यूसीसी डब्ल्यूसीसी 2 और डब्ल्यूसीसी 3 है। तो इसमें अपन ने लिया है सिडनी थंडर को, और जो अपने ओपोनेंट टीम है वो है सिडनी सिक्सर्स। तो जो सिडनी सिक्सर्स है वो है सबसे मजबूत टीम बीबीएल की, तो उसी के खिलाफ अपन खेल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें थोपड़े लगे हुए हैं प्लेयर्स के, लेकिन ये रियल नहीं है। इनमें जो थोपड़े हैं वो एनिमेशन वाले ही मिलेंगे, जैसे डब्ल्यूसीसी 2 में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। ये लेडीज जैसे लग रहे हैं मेरे को। तो पहली बॉल यहाँ पर, और क्या ही स्विम देखने को मिला, बाल बाल बचा ऑफ स्टंप। नेक्स्ट बॉल दूसरी बॉल है और यहाँ पर खेला है और ये गैप में निकली है, तो पहला चौका दूसरी बॉल पर। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं प्रो हूँ, और एज ए प्रो मेरा हक बनता है कि मैं आपको एक प्रो गेम दिखाऊं, तो मेरे को सारे गेम प्रो ने इसमें खेलने चाहिए, तो इसीलिए अपन इस गेम को भी प्रो की भांति खेलेंगे। नेक्स्ट बॉल, और यहां पर भी गैप में भेज दिया है और 4 रन मिले, तो लगातार 2 चौके लगा चुके हैं अपन, और लीजिए अपन को मास्टर क्लास का अवार्ड भी मिल चुका है। और एक कॉमेंटेटर बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। किधर गई कॉमेंट्री, तो मैं किस लिए बैठा हूँ भाई, गेम प्ले में मैं चौके छक्के मारता हूँ, उसमें प्लेयर्स के नाम ले देता हूँ, बच्ची कमेंट्री और वो भी मैं अपनी ना करूँ तो मेरा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बॉल, और यहाँ पर मिलेंगे 6 रन, परफेक्ट टाइमिंग। देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, प्रो को देख रहे हो नहीं। तो अपन 2 ओवर में ले चुके हैं 20 रन, तीसरा ओवर है ये, और यहाँ पर एक बार फिर बॉल गई है 4 रन के लिए, और क्या ही पानी सा निकल रहा है कुछ भी। नेक्स्ट बॉल 10 की रन रेट के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पर बाउंसर को एक अलग ही प्रकार से खेला है, बाल बाल बचे थे। लगता है इस गेम में भी रियल के 20 के भांति लेजी से लगते हैं मेरे को। चलिए नेक्स्ट बॉल, और यहाँ पर बोल्ड कर दिया है, मिडिल स्टम्प उड़ा दिया, और ये बॉल थी या फुटबॉल, कितना चौड़ा के गई है, मिडिल स्टम्प तो उड़ाया ही, साथ में इनके बीच में इतनी जगह कर दी कि इसमें एक साथ ट्रक और एक बैलगाड़ी निकल सकती है। तो कुक ने 6 बोले खेली, 6 रन बनाए और आउट होके निकल लिए। लास्ट बॉल है ओवर की, यहाँ पर मिलेंगे 6 रन, एक बार फिर परफेक्ट टाइमिंग, और प्रो ने लगाया है एक और 6। हर गेम में 6 लगा सकते हैं। नेक्स्ट बॉल, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर, एक और 6 रन, और ये शॉट काफी रिस्की था, अगर थोड़ी सी भी टाइमिंग इधर उधर होती ना तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया होता और सीधा बॉल जाती फील्डर के हाथ में, लेकिन प्रो लोग आउट नहीं होते हैं जल्दी। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल, 42 बना चुके हैं अपन और काफी फास्ट खेल रहे हैं अपन। तो एक और चिंगारी निकली है यहाँ पर, पता नहीं बैट्समैन कौन है, लेकिन 4 रन मिल गए हैं अपन को। लेटन जो है वो काफी फॉर्म में लग रहे हैं, और हमारे प्लेयर है तो मारेंगे भाई, मॉरिस हेनरिकेस कप्तान है इस टीम के। और एक और 6 लग, कभी कभी हो जाता है भाई, कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा, इनको जानता हूँ मैं पर्सनली। मॉरिस हेनरिकेस की अगली बॉल है ख्वाजा को, नए बल्लेबाज पहली बॉल का सामना, लेकिन हमारे साथ खेल रहे हैं तो 4 से ही शुरुआत करेंगे, और लगातार यहाँ पर पिटती हुई सिक्सर्स की टीम। नेक्स्ट बॉल, और यहाँ पर हवा में बॉल क्या जाएगी, नहीं भाई, बॉल चीरते हुए निकली फील्डर को, टॉम करन बॉलिंग के लिए, ख्वाजा को डालेंगे बॉल, यहाँ पर मिलेंगे 6 रन। पहले इनिंग की लास्ट बॉल, डेविस स्ट्राइक पर रिवर्स स्वीप किया, वो भाई क्या ही खेला है शॉट, और 6 रन मिले, रिवर्स स्वीप तो किया है लेकिन 6 रन मिले, दैट्स द बिग पॉइंट। और इसका रिप्ले तो मैं देखूंगा भाई, ओ भाई क्या खेला यार, मतलब ऐसे शॉट रियल के 20 में क्यों नहीं है यार, 21 में तो डाल दो। तो 68 बनाए हैं 5 ओवरों में, मात्र 2 ही विकेट खोए हैं अपन ने, मतलब अब सिक्सर्स को बनाने हैं 69 ये मुकाबला जीतने के लिए। तो लीजिए सिक्सर्स की बैटिंग पलटन आ चुकी है, 2 ही लोंडे भेजे हैं पहले, समझाओ इसे, समझाओ। और हग्स आ चुके हैं, हगेश गूगल करना पड़ेगा क्या। चलिए पहली बॉल का सामना करेंगे, और यहाँ पर हमारे साथ तो भाई ऐसे ही खेलना पड़ेगा, इनको पता है कौन है बॉलर, आउट कर सकता है, तो इसलिए ग्राउंडेड शॉट खेलेंगे। ओ भाई क्या डाइव लगाई है, देखा आपने, नहीं। चलिए अब एक टेक्निक लगाते हैं, इस पे ना विकेट निकालेंगे अपन, लगाने देते हैं 6 लगाने देते हैं, मैं जानबूझ के डालती खराब बोल, क्योंकि मेरे को पता था 6 रन चाहिए यार, वैसे ना गेम प्ले बोरिंग हो जाता, तो मैंने सोचा एक 6 लगवा ही देते हैं। चलिए दूसरा ओवर चल रहा है, 16 निकाल चुके हैं, हवा में बॉल पकड़ दे भाई, ओ
ऐसा भी कर सकता है तू? क्या था ये? ओह, एक घंटे पहले लेट चुका है, बाद में आई है बॉल, वो भी इसके ऊपर से निकली है। यहाँ पर हवा में बॉल, और इसको पकड़ ले भाई, ये तो पकड़ ही लेगा तू। हाँ, ऊपर कूद के जा, कूद के जा, पोलार्ड बन जा। तो दो ओवरों में 26 निकाल चुके हैं, और अरुण नायर आए हैं बॉलिंग के लिए। ये तो इंडियन है ना, इधर क्या कर रहा है? और ये है हवा में बॉल, क्या फिल्टर पकड़ेंगे? तो जी हाँ, फाइनली बॉल को पकड़ लिया गया। लेकिन ये टेक्निक क्या थी भाई, ऐसे करके क्यों पकड़ा? अलग मुद्रा में दिखा था, ये ऐसे कौन कैच पकड़ता है भाई? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और 11 के 11 क्या चिपक के खड़े हैं भाई। और हग्स ने तो भाई हग दिया भाई, 8 बॉलों में 8 रन बनाकर आउट हुए हैं। और मॉरिस हेनरिकेस जो कि इस टीम के कप्तान है, वो आ चुके हैं मैदान के ऊपर। टॉम करन जिन्होंने खराब बॉलिंग की थी, लेकिन यहां पर बैटिंग अच्छी करते हुए 6 रन लगाए हैं, फील्डर के ऊपर से भेजी है बॉल को। और इस बॉलिंग पे ना मेरे को ना 2 छक्के पड़ चुके हैं, मैं अपना डालने वाला नहीं हूँ इस बॉल को। 15 में 36 चाहिए। हवा में बॉल पकड़ लिए भाई, यार ये क्या कर रहे हो यार, इतना दूर क्यों खड़े हो तुम लोग? मॉरिस हेनरिकेस स्ट्राइक के ऊपर, और यहाँ पर हवा में बॉल, और ये पकड़ ली गई है बॉल को। चले फाइनली बताया इन्होंने मेरे को कि हम पकड़ते हैं भाई, कैच लेते हैं। और मॉरिस हेनरिकेस मात्र 2 रन बना पाए। ओ भाई, स्टीव स्मिथ भी इसके पास है, सिक्सर्स के पास कमी किस चीज़ की है? बैटिंग बढ़िया, बॉलिंग बढ़िया। हवा में बॉल एक बार फिर, और स्टीव स्मिथ जाते हुए स्मिथ को गोल्डन डक कर दिया है यहाँ पर। ब्रिलियंट बॉलिंग का प्रदर्शन है, और यहाँ पर अपन कंटिन्यू 2 विकेट निकाल चुके हैं। स्मिथ को पहली बॉल पर चलता किया है ट्रेमेन, यार क्या नाम है ये? सिल्क भाई इधर क्या कर रहे हो तुम, बिग बैश खेलते हो? तो अब 10 बॉलों में चाहिए 28 रन सिल्क स्ट्राइक पर। लेकिन यह हैट्रिक बॉल, और पकड़ लिया गया इस बॉल को, और इसी के साथ अपन ने हैट्रिक कर दी है, जिसका मतलब है कि अपन प्रो हैं। वो भाई फिलिप्स भी इनके पास है, सारे बैट्समैन और बॉलर इनको दे दो ना, मेरे को क्या दे रखा है। और ले जे 6 लगा चुके, लगाएंगे भाई, क्यों नहीं लगाएंगे, सब कुछ इनके पास है। अब लास्ट ओवर में चाहिए 19 रन, पुरानी बातों को जाते हैं भूल, और यहाँ पर सीधी बात है कि मैच अपने हाथ में ही है। और लीजिए विकेट की खुशखबरी आती हुई, कर क्या रहे हो तुम लोग इतनी दूर, ये 6 कैच उछाल चुका है इधर, और 2 रन भी ले लेगा। अब 5 में चाहिए 17, एक बार फिर बॉल हवा में है, लेकिन ना पास नहीं आना, मियाँ वही रहे, पास आ गया तो बुरा मान जाएंगे सिक्सर्स वाले। अब 4 में 16 बड़ा टारगेट, लेकिन ये लगेंगे 6, मतलब थंडर के लग चुके हैं। चलिए चौथी बॉल, ये हवा पे, ये पकड़ ली जाएगी बॉल 4 रन के लिए। रामो जी वाले, एक एम निकालो, ऑटो पे चलानी है हमें। यार तुम तो रियल के 20 वालों से भी, वो हमारे वाले थोड़ा कुछ तो करते ना, क्या कर रहे हो ये? अब 2 में चाहिए 6, कोई बड़ा शॉट ना खा लियो। चलिए ग्राउंडेड शॉट खेला है, गैप में ना निकाल दियो भाई, इधर हट जाएगी। तो चलिए 2 ही रन मिले, लेकिन अब लास्ट बॉल में चाहिए 4 रन। तो फील्डिंग में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 घंटे से ये लगा रखी है, चलिए एकदम स्लो बॉल डालते हैं, बाहर रखते हैं। और ये मैं वो बॉलिंग डाल रहा हूँ जिसमें मेरे को 2 छक्के पड़े थे। और यहाँ पर हवा में टाइमिंग अच्छी नहीं हुई, और लास्ट बॉल पर मिला विकेट, और इसी के साथ थंडर को ये मुकाबला जिता दिया। ओ भाई टॉम करन क्या खेले हैं, 49 रन 13 बॉलों में। अरे दूसरे को तो ले जा, अकेला किधर जा रहा है भाई। तो इसी के साथ ये मुकाबला यहाँ पर समाप्त होता हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपना एक लाइक वीडियो को शेयर देना, ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट मैच में, अगर सब्सक्राइब किया है तो। लेकिन अब से मैं रियल के 20 खेलने वाला हूँ। ओके।